स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, इन प्रीवियस क्लास यू हैव बीन टॉट अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। टुडे वी शैल डिस्कस ऑफ फैक्टर्स, डिस्कस अबाउट फैक्टर्स ऑन which resistance of a conductor depends। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। आज हम लोग किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चार फैक्टर्स है, देयर आर फोर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। द फोर फैक्टर्स आर हियर। फर्स्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल, सेकेंड इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, थर्ड इज थिकनेस दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एंड फोर्थ इज टेम्परेचर। तो फोर फैक्टर्स है जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। फैक्टर्स होता है जिसमें करंट इजीली फ्लो करता है, कुछ में रेयरली फ्लो करता है। तो ये सब किस प्रकार प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ है कि कंडक्टर किस कंपोनेंट से बना हुआ है, उसका कंपोनेंट क्या है। ठीक है ना, मटेरियल कुछ प्योर होता है, कुछ इम्प्योर होता है, केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो वह मटेरियल का नेचर से मतलब है कि वह कंडक्टर किस से बना हुआ है। ठीक है, सभी मटेरियल्स से करंट एक जैसा फ्लो नहीं होता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। कुछ से बहुत इजीली फ्लो करता है, किसी से कम, किसी से मॉडरेट, तो यह डिपेंड करता है मटेरियल पर। आप जानते हैं कॉपर वायरिंग होता है घर में, एल्युमिनियम वायर होता है, आयरन वायर होता है, तो सब से करंट का वैल्यू अलग होता है। किसी से कॉपर से ज़्यादा फ्लो करेगा तो एल्युमिनियम से उसको कम फ्लो करेगा, आयरन से और कम फ्लो करेगा, और बहुत सा ऐसा चीज़ है। अब लकड़ी है, वुड है, उसे तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो यह रेजिस्टेंस जो है, फर्स्ट क्या है, मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वह मटेरियल कंडक्टर किससे बना हुआ है। और यह क्यों प्रभावित होता है, तो यह डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होते हैं और वे जितने इजीली फ्लो करते हैं, वह उतना अच्छा कंडक्टर होता है, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। ठीक है, तो यह डिपेंड करता है पहला नेचर ऑफ मटेरियल पर। सेकेंड आपका है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के लेंथ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अधिक अगर कंडक्टर का लेंथ अधिक होगा तो रेजिस्टेंस अधिक होगा। मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर जितना अधिक मोटा होगा, थिक होगा, थिकनेस ज़्यादा होगा, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उतना ही कम होगा। थिक कंडक्टर से करंट इजली फ्लो करता है। सेकंड आपका है, सॉरी फोर्थ आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस प्रभावित होता है। मोर टेम्परेचर मोर रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, घटने से घट जाता है। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर। सभी के लिए यह ट्रू नहीं है। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ता है। ऐसे मटेरियल को हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। आप जानते हैं सोलर सेल वगैरह में सेमी कंडक्टर यूज होता है, जो धूप में रखने पर इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने लगता है। यह वहाँ धूप क्या है, धूप में टेम्परेचर राइज किया, उसका रेजिस्टेंस घट गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रिक का फ्लो शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर से भी प्रभावित होता है, लेकिन इसमें क्या है, दो चीज़ है। फर्स्ट तो इन जनरल रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। और कुछ ऐसा मटेरियल है, कंडक्टर है, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से, इंक्रीज करने से घटता है। ऐसा कंडक्टर को सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कस तो हो गया रफली, आप समझें। लेकिन आप कैसे विश्वास करोगे, हाउ विल यू ट्रस्ट दैट दीज हैपेंस। आप कैसे ट्रस्ट करें कि ऐसा होता है। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, कैसे करता है। लेंथ पर डिपेंड करता है, कैसे करता है। थिकनेस पर कैसे डिपेंड करता है। तो इसको आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, तो एक्टिविटी आप कर सकते हैं लैब में। तो चल अगर समझ लेते हैं यहाँ बोर्ड पर ही कैसे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, तो हम सर्किट पूरा कर लेते हैं। एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बैटरी है, कम्बिनेशन ऑफ मोर सेल टू और मोर सेल का कम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। ये बैटरी है, ये प्लग की है, यहाँ आपका एक एमीटर है, एमीटर और ये कनेक्टिंग वायर ये है। अब देख रहे हैं सर्किट, कैसा सर्किट आपको दिख रहा है। दिस इज एन ओपन सर्किट, क्योंकि सर्किट इज ब्रोकन। आप यहाँ देखिए, यहाँ के बाद ब्रोकन पाथ है। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्किट तैयार कर लीजिए, बैटरी लगा लीजिए, प्लग की मीन स्विच का काम करेगा, यहाँ पर मीटर लगा लीजिए, वायर कनेक्ट कीजिए, वायर को इस एक एंड को यहाँ लाकर स्टॉप कर दीजिए, दूसरा एंड को बाई पर लाकर स्टॉप कर दीजिए, वहाँ पर गैप है,
एक्स वाई जेड गए, तो अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। थ्री थिंग्स आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर। पहला नेचर ऑफ मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल। आप सेम लेंथ सेम थिकनेस, सेम लेंथ सेम थिकनेस, सेम लेंथ और सेम थिकनेस का कुछ वायर लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं ये आपको ऊपर वायर ले लीजिए, ये आयरन वायर ले लीजिए, ये लॉयक होता है नाइक्रोम, नाइक्रोम नाइक्रोम वायर होता है, एलॉय है ये नाइक्रोम, ठीक है, एलॉय है। आप थ्री टाइप्स का वायर लीजिए, कंडक्टर लीजिए, सेम लेंथ सेम थिकनेस, सबका लेंथ सेम है, यल 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 एरिया क्रॉस सेक्शन थिकनेस सबका सेम है, ठीक है। आप लीजिए, आप बारी बारी से वन बाई वन, सबसे पहले कॉपर वायर को एक्स वायर के बीच में कनेक्ट करेंगे, फिर आयरन वायर को करेंगे, फिर नाइक्रोम को करेंगे, और इन ईच केस यू विल रीड द वैल्यू ऑफ करंट इन एमिटर, तो आपको पता चल जाएगा किससे करंट अधिक फ्लो कर रहा है। जिससे करंट का फ्लो अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो हम आप सबसे पहले कॉपर वायर को मान लेते हैं, कॉपर वायर यहाँ कनेक्ट कर दिए, कॉपर वायर, कॉपर वायर कनेक्ट कर दिए गए एक्स वाई, वहाँ कॉपर वायर कनेक्ट कर दिए। आप एमीटर का रीडिंग पढ़ेंगे तो मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि एमीटर रीडिंग हमको मिल रहा है, उसको हम डिनोट करते हैं आई एफ यू, सॉरी कॉपर, कॉपर आई सी यू, आई सी यू करेंट फ्लोइंग थ्रू कॉपर वायर, जिसको हमने रीड किया एमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट आप ये कॉपर वायर को रिप्लेस कर देते हैं आयरन से, अब इसको रिप्लेस कर देंगे, आयरन कनेक्टर है, आयरन मटेरियल देखिए सब अलग अलग है, तो आप आयरन कनेक्ट कर देंगे वहाँ पर बिटवीन गैप एक्स एन बाई, अब फिर करंट फ्लो करेंगे एमिटर में, रीडिंग पढ़ेंगे तो देखिएगा कितना आएगा। मान लेते हैं कि इसमें करंट का मान है आई एफ ई से भी नोट करते हैं, करंट हेलो करंट हेलो आयरन कंडक्टर, फिर नेक्स्ट हम इसको फिर रिप्लेस करेंगे नाइक्रोम वायर से, नाइक्रोम से रिप्लेस करते हैं, नाइक्रोम लगाते हैं पर एक्स वाई के बीच में, नाइक्रोम यूज करते हैं, नाइक्रोम वायर लगाते हैं, फिर मीटर में करंट रीडिंग पढ़ेंगे, करंट का डायरेक्शन में करंट रीडिंग पढ़ेंगे, कर लेंगे नोट कर लेंगे मीटर से। तो मान लेते हैं कि इन दिस केस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू नाइक्रोम वायर आई एल, आप क्लियरली आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि करंट थ्रू कॉपर वायर इज मोर देन आयरन वायर, करंट थ्रू आयरन मोर देन नाइक्रोम। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट करंट पास कर रहा है। तो हम क्या समझें कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस जिसका करंट ज़्यादा हो उसमें से रेजिस्टेंस आई सी, रेजिस्टेंस कॉपर का कम है उल्टा हो गया यहाँ पर,
ये आयरन से, आयरन मटेरियल से, आयरन बाइक से रेजिस्टेंस, ये देखिए आप ऐसा कॉपर का रेजिस्टेंस आयरन से कम है, आयरन का रेजिस्टेंस नाइक्रोम बाइक से कम है, ठीक है। तो जिससे में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है करंट का मान उतना कम होता है, क्योंकि आप ओम्स लॉ में देखे थे कि वी इज इक्वल टू आई टू आर सिंपलाइज आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी बाई आर कह सकते। तो मोर रेजिस्टेंस दैट इज करंट थ्रू ए सर्किट कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस लेस करंट। तो यहाँ पर नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो लेस करंट है इससे, आयरन का रेजिस्टेंस इससे कम है तो इससे भी करंट है इससे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मोर रेजिस्टेंस लेस करंट एंड रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल पर। अलग अलग मटेरियल है उसका अलग अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप फर्स्ट थिंग समझ गए कि नेचर ऑफ मटेरियल किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेंथ, हाउ डज लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इन्फ्लुएंस इट्स रेजिस्टेंस। तो आइए सेम काम करते हैं, ये मटेरियल पर डिपेंड कैसे करता है, इसके लिए हम डिफरेंट मटेरियल लिए थे। लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, इसके लिए हम मटेरियल सेम रखेंगे, ठीक है। तो हम दो वायर लेते हैं सेम मटेरियल, मान लेते हो नाइक्रोम वायर लेते हैं, नाइक्रोम का वायर है और इसका लंबाई लेंथ है एल और एरिया क्रॉस सेक्शन ए, थिकनेस ए मीन्स एरिया क्रॉस सेक्शन मोटाई थिकनेस। और दूसरा वायर लेते हैं जो इसका डबल है, दूसरा वायर लेते हैं इसके जो उसका डबल है, दुगना लंबा लेते हैं। ये वायर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये टूएल लंबाई लेंथ इसका टूएल है बट एरिया क्रॉस सेक्शन से। तो और नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम का लिए है वायर। अब देखिए नाइक्रोम दोनों वायर मटेरियल सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ एक दूसरे का डबल है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कैसे डिपेंड करेगा। तो अब सेम एक्टिविटी में इसमें फिगर में, अब हम इसमें यल लंबाई का वायर कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट जिसका लंबाई लेंथ यल है उसको कनेक्ट करते हैं, एमीटर में करंट रीडिंग पढ़ लेते हैं मान लेते हैं इस पर आई एल है और पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हटा देंगे, रिप्लेस कर लेंगे ना सेकेंड जो डबल है उसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, सेकेंड का टूएल लेंथ वाला वायर को एक्स वाई की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर लगा दिए टूएल लंबाई वाला नाइक्रोम वायर टूएल लेंथ का वायर है। इस बार फिर हम करंट रीडिंग
पढ़ेंगे मिड टर्म में तो हमको मिलेगा इतना, इसका रस करेंट पढ़ लेते मान लेते हैं 8-12 से अभी नोट कर रहे हैं, तो आप पाएंगे क्लियरली एक्सपेरिमेंट में आप ऐसा पाएंगे। आई एल लेंथ एल लेंथ वाले नाइक्रोम वायर से करंट का वैल्यू 2L लेंथ वाले नाइक्रोम वायर से अधिक होगा। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा करेक्टली तो आप जरूर देखिएगा दुगना आएगा। ठीक है, ठीक है। ये और इसका मतलब क्या हो गया, ये आर एल लेस देन आर टू, मतलब एल लंबाई का जो नाइक्रोम वायर है 2L लंबाई के नाइक्रोम वायर से उसका रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कीजिएगा लाइन में। ठीक, तो और अगर आप और डिफरेंट रीडिंग लीजिएगा 3L लंबाई 4L लंबाई सब करके देख सकते हैं तो आपको एक रिलेशन मिलेगा। इसमें देखिए कि रेजिस्टेंस इसमें इन दिस केस यू विल फाइंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। कंक्लूजन आप निकालिएगा आफ्टर एक्सपेरिमेंट तो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। समझे, मतलब कि रेजिस्टेंस अगर लेंथ अगर दुगना कर देंगे हम तो वैल्यू ऑफ करंट हाफ हो जाएगा। इन ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है, मोर रेजिस्टेंस मोर लेंथ, मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लंबाई जितना बढ़ाते जाइएगा उतना ही अधिक रेजिस्टेंस होगा। आप एक थोड़ा सा आइडिया देते हैं, आपके यहाँ इलेक्ट्रिक करंट आता है NTPC से, कितना डिस्टेंस तय करना होता है तो उसका वायर देखिए क्लियरली मोटा होता है, बहुत मोटा होता है। तो क्यों किया जाता है उसको मोटा, ठीक क्यों किया जाता है, इसलिए कि लेंथ कितना बढ़ जाता है, कितना किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। तो जितना लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस तो क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर जाएगा और वह डैमेज हो जाएगा, रास्ता में भी एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वायर को मोटा किया जाता है, ठीक किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको देखना है ये क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन पर आप कैसे डिपेंड करता है, हाफ है एरिया ऑफ क्रॉस कंडक्टर का रेजिस्टेंस एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। तो आप देखिए आइए क्या करेंगे, अब हम लेंथ सेम रखेंगे, लेंथ विल बी कैप्ट सेम, नो चेंज इन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम चेंज कर लेंगे। देखिए एक वायर लिए नाइक्रोम वायर ले रहे हैं, नाइक्रोम भी आप नाइक्रोम वायर लेते हैं, लेंथ एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी है, दूसरा सेम नाइक्रोम वायर लेंगे, नाइक्रोम वायर भी लेंगे, बट एरिया क्रॉस सेक्शन इसका डबल हो गया,
लेंथ सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन डबल, मोटाई थिकनेस मीन्स मोटाई दुगना कर दिया, लेंथ सेम रहा, मटेरियल सेम है, सिर्फ एरिया क्रॉस सेक्शन वो क्या किया डबल कर दिया। अब हम फिर इसी एक्सपेरिमेंट को जब करेंगे, अब यहाँ पर हम एरिया क्रॉस सेक्शन ए वाली वायर को कनेक्ट करेंगे बिटवीन कैप एक्सचेंज वाई, यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ए लेंथ वाला है उसका लगाएंगे, करंट फ्लो करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम करंट का रीडिंग कर लेंगे, एमीटर में लगती डालेंगे, फिर देखेंगे एमीटर रीडिंग कर लेंगे कितना करंट फ्लो करता है इसको लगाने के बाद। तो आए हम मान लेते हैं कि यह करंट वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं डबल, इसको अब हटा लेते हैं यहाँ से और इसको रिप्लेस करते हैं टू ए थिकनेस वाली वायर को कनेक्ट करते हैं एक्स वाई के बीच में, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, नाइक्रोम बार। इस बार फिर रीडिंग करेंगे, एमिटर रीडिंग पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, उसको हम लिख लेते हैं, डायग्राम करते हैं आई टू ए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आई टू ए भी ग्रेटर देन आई ए, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस आर ए ग्रेटर देन आई टू आई आर टू आर, मतलब ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला वायर का रेजिस्टेंस टू ए क्रॉस सेक्शन वाले वायर के रेजिस्टेंस से कम है। आप न्यूमेरिकली कैलकुलेशन कीजिएगा एक्सपेरिमेंट, तो आप निश्चित रूप से पाइएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा मोर द एरिया क्रॉस सेक्शन लेस द रेजिस्टेंस, एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि कैसे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, कैसे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, कैसे डिपेंड करता है थिकनेस पर, एरिया क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, ये लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है बढ़ता है, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है डिक्रीज करता है, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाता है फैक्टर्स, एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए आप यहाँ पर पॉसिबल नहीं है एक्टिविटी, ठीक है। तो आप उसको सुन लिए हैं, सुने हैं क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज टेम्परेचर इंक्रीजेज, बट देयर इज एक्सेप्शन, कुछ ऐसा कंडक्टर भी होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज होता है, ऐसे कंडक्टर को हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर का नाम सुने हैं, सोलर सेल वगैरह में यूज होता है, ठीक। थैंक यू, बाय।